तो गाइस देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं आज काला पत्थर। सो आप लोग देख सकते हैं ये है काला पत्थर का रास्ता और यहाँ से लगता है लगभग हम लोग काला पत्थर पहुँचने में 40 मिनट्स। तो ये देख सकता है काला पत्थर का नज़ारा। सो अभी हम लोग काला पत्थर की तरफ जा रहे हैं। सो मेरा टूरिस्ट भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता भी थोड़ा आधा तक अच्छा है, थोड़ा आधा से थोड़ा खराब है। तो बहुत यहाँ अलर्ट तरीका से जाना पड़ता है, कभी कभी पत्थर भी गिरते हैं यहाँ पर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग नज़ारा काला पत्थर का। सो राइट साइड में देख सकते हैं थोड़ा रास्ता अभी अभी जो बनाया हुआ है, ये कारपेटिंग अभी अभी किया गया हुआ है। सो तो दोस्तों आप लोग जब गुरुदुम्बा लेक आते हो तो प्लीज़ काला पत्थर मिक्स मत करिए, इतना अच्छा जगह है ना। जब आप लोग आएगा तो काला पत्थर घूम के जरूर जाए, घूम के आप लोग वापस जाएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत है। यहाँ पर ऑफ सीजन में भी आप लोग को बर्फ़ देखने का मौका मिल सकता है। और अभी एक दोस्त अभी अभी लौटा हुआ है। सो अभी थोड़ा करीब पसने वाला है हम लोग काला पत्थर के। सो अभी मेरे यहाँ आगे जो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ एक व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट। सो यहाँ पर एक जो घर देख रहे हैं ना, वहाँ उसके पास में एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से पूरा काला पत्थर आप लोगों को अच्छा तरीका से देखेगा, अच्छा नज़र आएगा। सो हम लोग और भी नज़दीक में आ चुका है काला पत्थर का। सो मेरा टूरिस्ट बहुत एक्साइटमेंट है, कब फंसेगा भैया कब फंसेगा बोल रहे। सो अभी पहुँचने वाला है। सो ये देख रहे हैं मेरा लेफ्ट साइड में और ये है व्यू पॉइंट, और हम लोग लौटते समय रुकेंगे यहाँ पर। सो अभी सो और भी नज़दीक में आ गए हैं हम लोग। सो पहुँचने वाला है फिलहाल। सो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कितना खूबसूरत नज़ारा, बर्फ ही बर्फ। सो टूरिस्ट लोग भी बहुत खुश है मेरा, बहुत एक्सपेक्ट मैंने थोड़ा यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं कभी कभी, कोई बड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा रास्ता बहुत खराब भी है, थोड़ा थोड़ा रास्ता खराब भी है। में पहुंच गए, यहाँ पर साइड में एक दोस्त का गाड़ी रखा हुआ है। सो अभी ये जो साइड में आदमी लोग देख रहे हैं ना, सो ये दुकान लेके रखा हुआ है। सो यहाँ पर कम्बूट भी मिलता है आप लोग को स्नो में चलने के लिए, और ग्लोव्स भी मिलता है। सो एक भाई ने गाड़ी साइड करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर ना थोड़ा डिस्टेंस में गाड़ी रखना पड़ता है, गाड़ी नीचे से बड़ा गाड़ी आया तो फिर साइड देने का जगह नहीं होता ना, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा साइड देकर जगह देकर वहाँ पर गाड़ी साइड लगाना पड़ता है। सो अभी एक दोस्त लौट रहा है काला पत्थर देखने का भी टूरिस्ट को। सो अभी देख सकते हैं आप लोग ये काला पत्थर का नज़ारा। सो यहाँ पर फिलहाल पहुँच गए हम लोग काला पत्थर। और देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बोला ना आप लोगों को, गाड़ी को बड़ा बड़ा जगह देखकर साइड में रखना पड़ता है, तो दोस्त लोगों ने सब साइड करके रखा हुआ है। और देखिए ये है काला पत्थर, और जो नीचे से आया हुआ रास्ता जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से हम लोग घूम घूम कर आया है। सो यहाँ पर 3-4 लोग टूरिस्ट भी खेल रहे हैं, ऐसा गम बूट पहनना पड़ता है। देखिए यहाँ पर गम बूट लगा के ग्लोव्स लगा कर कितने अच्छा से स्नो खेल रहे है। और ये काला पत्थर का नज़ारा। सो आप लोगों को मैंने सो ये